नौगावा नगर पालिका के निवासी इन दिनों नौगावा में हो रही गंदगी के आलम से बहुत परेशान हैं। 5 माह बीत जाने के बाद भी नौगावा नगर पालिका को किसी भी प्रकार का बजट आवंटित नहीं किया गया। बजट आवंटन तो दूर, कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी को आईडी पासवर्ड भी जारी नहीं किया गया है। एक तरफ सरकार मौसमी बीमारियों पर रोकथाम के लिए पानी इकट्ठा नहीं होने और कचरा ना फैलाने के लिए लोगों को जागरूक करती है, दूसरी तरफ नौगावा नगर पालिका में कचरा निपटाने की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। दिसंबर माह में भी राज्य सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान चलाकर राजस्थान स्वच्छ रखने पर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन नौगावा नगर पालिका की गंदगी और लोगों को हो रही परेशानी किसी को नजर नहीं आई। नौगावा नगर पालिका घोषित होने के बाद से ही सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। नौगावा नगर पालिका में इन दिनों चंडीगढ़ बास, शेरपुर रोड, कॉरपोरेटिव बैंक के पास सहित जगह जगह कचरों के ढेर लगे हुए हैं। नालियां गंदगी के ढेर से भर गई हैं और गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है। ऐसे में लोगों का सड़क पर से पैदल निकलना दूभर हो चुका है। लोगों को मजबूरी में इस गंदे पानी में से निकल कर जाना पड़ता है। नौगावा के चंडीगढ़ बास ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि नौगावा नगर पालिका घोषित होने पर कस्बे वासियों को एक उम्मीद जगी थी कि अब कस्बे का विकास होगा, लेकिन यहाँ तो ग्राम पंचायत ही ठीक थी, कम से कम गाँव में सफाई तो होती थी, अब तो हमें नरक का जीवन जीना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि नौगावा को वापस ग्राम पंचायत का दर्जा दे दिया जाए। नौगावा नगर पालिका को किसी भी तरह का बजट आवंटित नहीं किया गया है। मांगीलाल मीणा नौगावा तहसीलदार ने बताया कि विभाग के द्वारा नगर पालिका को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं।